ओके सो आई थिंक इट्स फाइन नाउ. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि बार बार प्रॉब्लम उसके अंदर क्रिएट हो रहा था. जैसे ही मैं उसको पीपीडी मोड के ऊपर प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा था और जैसे ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा था तो इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम. सो फटाफट द लाइव आ जाइए. सो कम ऑन फास्ट इधर लाइव आ जाइए. सो नाउ इट्स लाइव. स्टार्ट करते हैं न्यूज एट 9 फरवरी लास्ट वीक करंट अफेयर 2019 का 2019 का लास्ट फरवरी 2019 का लास्ट वीक का करंट अफेयर. तो इसके पहले मैं इसकी जो पीडीएफ है इस लेक्चर की वो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा. वहां पर आप जाके डाउनलोड कर लेना. ठीक है, मेरी जो वेबसाइट है yourcivilsarathi.com वहां पर इसका वेबसाइट इसका जो लिंक है वो अवेलेबल है. वहां पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, वहां पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही यहाँ पर जो लिंक्स आपको दी गई है अनअकैडमी यूट्यूब और इंस्टाग्राम ये सभी मेरी सोशल मीडिया की साइट्स हैं. जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इन लिंक्स के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इन पर्टिकुलर जो भी फेसबुक है अनअकैडमी है फेसबुक है ट्विटर है मेरी वेबसाइट है यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह जो है जाकर आप वहां पे जुड़ जाएंगे. सो इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा yourcivilsarathi.com जो मेरी वेबसाइट है वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से. पहली न्यूज यहाँ पर निकल के आती है अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL जो एक गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेस है भारत सरकार का एंटरप्राइजेस है उसके द्वारा जो है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर जो है उसको इनोग्रेट किया गया. उसका भी उन्होंने उसको डिस्प्ले किया. बेसिकली ये जो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है ये एरो इंडिया 2019 जो बेंगलोर के अंदर आयोजित हुआ था वहां पर जो है इसका प्रदर्शन किया गया. अभी क्या करता है ये, इसका मेन जो पर्पस यहाँ पर ये है कि हवा के अंदर जो भी आपका एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी आपका मॉइस्चर होता है जो आपका हेलो सचिन हेलो सोनल सोनिका एंड हर्षल एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि अभी कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया. ओके सो नाउ इट्स लाइव और अभी आप लाइव इसको देख सकते हैं. तो हाँ, तो ये जो न्यूज है इसके अंदर यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसके अंदर एयर के अंदर जो मॉइस्चराइजर है हवा के अंदर जो आपका जो मॉइस्चराइजर होता है या जो आपका
पानी होता है उसको यहाँ पर वो कैप्चर करके उसको जो है वो पोटेबल वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकता है। अलग अलग कैपेसिटी के अंदर यहाँ पर 30 लीटर पर डे, 100 लीटर पर डे, 500 लीटर पर डे, 1000 लीटर पर डे, अलग अलग कैपेसिटी के अंदर ये अवेलेबल है। बेसिकली अभी आप देखेंगे कि लगातार पानी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप काफी कारगर साबित हो सकता है। इसको कुछ यूरोपियन कंट्रीज और कुछ दूसरे आपके जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है वहां पर भी ट्राई किया गया, लेकिन सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज है वहां पर आपका जो पानी के अंदर, जो हवा के अंदर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर काफी कम होता है। ओके, तो इसके कारण वहां पर ये सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन इंडिया जैसे कंट्रीज के अंदर काफी सक्सेसफुल हो पाएगा क्योंकि हमारे यहाँ जो समुद्र के किनारे जो जगह है या फिर जो दिल्ली जैसे सिटीज है यहाँ पर आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। ओके, सो सेकेंड न्यूज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे द सेकेंड न्यूज इज इंडिया टू, अभी आपको जैसे पता है कि अभी पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा के अंदर 14 फरवरी को अटैक हुआ था, उस अटैक के बाद जो है वो हमारे सीआरपीएफ के कई जवान मारे गए थे, तो उसी संबंध में गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर डिसीजन लिया है। अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन अभी यहाँ पे जो तीन रिवर्स, वैसे उसको अगर आप डायरेक्ट उससे न जोड़ें तो भी चलेगा, कि भारत की जो छह आपकी जो रिवर्स हैं जिनका पानी जो है वो जो इंडस के अंदर फ्लो होता है, तो उनमें से तीन रिवर्स का पानी जो हमारे हिस्से का है, इट्स रावी, ब्यास और सतलुज, तीन रिवर जो है जिसका पानी इंडिया के हिस्से में आता है, बाकी इंडस, चेनाब और झेलम, तीन रिवर्स का पानी जो है पाकिस्तान के वहां पर जाता है। तो अभी हमारे हिस्से का जो पानी था, हमारे हिस्से का पानी हम जो पूरी तरह से उसको उपयोग नहीं कर पाए थे, ठीक है, 100% पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे, इसमें 94% जो वाटर है इंडिया का, सिर्फ हम 94% ऑफ द वाटर जो है सिर्फ उसी का यूज कर पा रहे थे। तो इससे अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अभी कुछ यहाँ पे वो जो पानी है जो अभी पाकिस्तान की ओर हमारा पानी जा रहा है उसको यहाँ पे डाइवर्ट किया जाएगा। अभी बॉर्डर्स के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे उसको डाइवर्ट करके यहाँ पे पंजाब और जम्मू कश्मीर को ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर कई सारे जो डैम्स हैं वहाँ पर डैम्स बनाए जाएंगे, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक डैम है, इट्स कॉल्ड द शाहपुर कंडी डैम इन पंजाब के अंदर, जहाँ पे रावी रिवर के ऊपर इसको बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे उत्तर आपके जम्मू कश्मीर के ऊंच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जो ऊंच रिवर, जो रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर बनाया जाएगा। तो पाकिस्तान की ओर जाने वाला जो पानी है वो पानी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, वो पानी रुक जाएगा और पानी जो है वो पाकिस्तान की ओर नहीं जा पाएगा। और ना उसके दो तीन रीजन है कि अभी एक तो है हमारा पानी जो है वो लोग यूज कर रहे थे और अभी इसको यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा स्टॉप कर दिया गया है। तो ये इसको एक वेलकम स्टेप माना जा रहा है कि पानी जो है वो हमारे किसान हैं, हमारे किसानों के उपयोग में आएगा और उसके अलावा पाकिस्तान को थोड़ा सा यहाँ पर पानी की कमी होगी, जिसके कारण शायद हम उससे कुछ वहाँ पे जो रिटेलिएट है वो रिटेलिएट यहाँ पे पाकिस्तान के साथ में कर सके। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सोल प्रीस प्राइज जो है उसे सम्मानित किया गया था। वैसे न्यूज़ पहले आ चुकी थी प्रधानमंत्री को उसे सम्मानित किया जाएगा, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सोल में बुलाया गया और वहां पर उनको ये जो अवार्ड सोल पीस प्राइज अवार्ड दिया गया। पीएम मोदी जो है 14th रिसिपिएंट, 14 इसको हासिल करने वाले व्यक्ति हैं। इसके पहले यूनाइटेड नेशन के जनरल जो सेक्रेटरी हैं कोफी अन्नान, या फिर आपके जनरल चांसलर एंजेला मार्केल, इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कॉल्ड द डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स। तो ये जो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेडक्रॉस के साथ मिलकर काम करता है। बेसिकली इसका जो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स का जो काम है वो काम यहाँ पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो भी वॉर विक्टिम्स वगैरह यहाँ पे कहीं भी युद्ध वगैरह होते हैं तो वहाँ पर लोगों को जो है वहाँ पर जाके मदद करते हैं, और मदद करने के बाद अभी इनको किसी भी प्रकार का कोई आपका वीज़ा वगैरह जो है वो देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं, मतलब वीज़ा वगैरह इनको लगता है, लेकिन ईजिली जो है ये लोग एक्सेस वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 1919 के अंदर जब 24th ओलंपिक हुआ आपके सोल के अंदर, उसने सक्सेसफुली उसको ऑर्गेनाइज किया। अभी उस समय पे कई जैसे चाइना है या फिर आपका नॉर्थ कोरिया है, वो लगातार कोशिश में रहे थे कि इनका जो इवेंट है, इनका जो आपका जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं ओलंपिक का, वो अनसक्सेसफुल हो जाए, लेकिन जैसे जैसे करके उन्होंने मोदी जो है 14वें उसको पाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो करीना कपूर जो है उसको अभी आपका स्वस्थ इम्यूनेशन इंडिया कैंपेन जो है उसके अंदर शामिल किया गया है। ये जो कैंपेन है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII इसके द्वारा और नेटवर्क 18 करके एक पूरा चैनल का एक ग्रुप है उसके द्वारा उसको आयोजित किया जा रहा है, नेटवर्क 18 और इसके द्वारा, जहाँ पर जो वैक्सीनेशन है बच्चों का उसके ऊपर और माँ के वैक्सीनेशन के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई थी उसके अंदर यहाँ पर इंडिया के अंदर 56% जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अनवैक्सीन है, इनकम्प्लीट जो आपका वैक्सीनेशन वो 32% लोगों का उसके अंदर से यहाँ पर है, ठीक है। 56% तो हम वैक्सीनेशन वहाँ पे पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, तो ये काफी एक खराब फिगर है देश के लिए और इसको पार पाने के लिए यहाँ पर करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो जैसा आपको पता है कि अभी 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, एंड आफ्टर पुलवामा अटैक
जो है अभी लगातार क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि हमारे जो सीआरपीएफ और दूसरे आर्मी वगैरह के जवान हैं उनको रोड से वहां पे मूवमेंट नहीं किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पे तय किया है कि वो लोग जो है वो फ्री में एयर ट्रेवल कर सकेंगे फ्रॉम द दिल्ली टू श्रीनगर, श्रीनगर टू दिल्ली, जम्मू टू श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, ये पूरा जिनका मूवमेंट है ये अभी आप वो फ्री में एयरप्लेन में जाके ट्रेवल कर सकेंगे, नॉर्मल आपके जो फ्लाइट होती है वहां पर जाके कर सकेंगे। पहले ये फैसिलिटीज जो आपके इंस्पेक्टर्स वगैरह के रैंक के अधिकारी थे उनको ही अवेलेबल थी, लेकिन अभी जो ये फैसिलिटी है ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एएसआई वगैरह सभी को यहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो उसके कारण आप देखेंगे कि अभी जो कैजुअल्टीज हुई थी अभी इस तरीके की कैजुअल्टीज जो फ्यूचर के अंदर ना हो ये कोशिश यहां पे गवर्नमेंट की जा रही है। तो हमारे यहां पे मध्य प्रदेश में भी एक जवान थे अश्विनी कुमार काची, उनका भी इस दुर्घटना यहां पर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके अंदर वो शहीद हो गए थे, और उसके लिए हमारे सारथी ग्रुप ने जो है 25,000 रुपए कलेक्ट किए थे, और सभी सभी हमारे जितने भी स्टूडेंट ने सभी ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें से 13,000 रुपए हमने अश्विनी कुमार काची जो जबलपुर में थे उनको डोनेट किए, और 12,000 रुपए जो है हमने भारत के वीर के अंदर डोनेट किए। तो हमारे जो सारथी एजुकेशन है उसने लगातार कोशिश करता रहता है कि इस तरह से लोगों की आप जो जो नीडी लोग हैं उनकी हम मदद करते रहें। ओके, अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक रैट मैमल, एक चूहा जो है उसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया, उसको जो है वो विलुप्त घोषित कर दिया गया, और उसका रीजन यहाँ पर है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी मैमल या कोई भी जो स्तनपायी जीव है उसको अभी आपके क्लाइमेट चेंज के कारण उसको जो है वो एक्सटिंक्ट या विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, बेसिकली ये पेपुआ न्यू गिनी और बाकी कई सारे एरियाज के अंदर यहाँ पे मिलता है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसका मेन रीजन यहाँ पर लगाता है जो टेम्परेचर के अंदर चेंज, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण वो जो है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाया, उसके प्रतिकूल अपने आप को नहीं अनुकूल अपने आप को नहीं करवाया, उसके कारण वो यहाँ पर एक्सटिंक्ट वहाँ पे वो समाप्त हो गया है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो जैसे कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि चाइना के अंदर एक फीमेल आपका जो न्यूज एंकर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, सेम अभी चाइना ने यहाँ पे सॉरी पहले मेल इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी फीमेल न्यूज एंकर उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। इट्स एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जहां पर आपको एक कह सकते हैं कि इमेज दिखेगी और वो एक आर्टिफिशियल तरीके से वो न्यूज को रीड करेगी। जैसे आपको याद हो कि पहले के समय पे जो दूरदर्शन की न्यूज आती थी उन दूरदर्शन की न्यूज के अंदर अभी कुछ जो कोई महिलाएं मतलब जो हमारी जो विद ड्यू रिस्पेक्ट जो वुमेन्स न्यूज पढ़ती थी अभी वो ऐसा लगता था कि अब ऐसे उसको रीड कर रहे, तो सिर्फ जस्ट न्यूज को रीड करने के लिए इनको वहां पे रखा गया है चाइना के अंदर। अभी पूरा जो है ये हाव भाव अपना शो नहीं कर सकते, जो है वो एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, सिर्फ न्यूज को जो है वहां पे रीड करके एक हल्की सी स्माइल के साथ में रीड करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आतंकवादी घटना की सूचना दे रहा है और आपके चेहरे पर स्माइल हो, तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके द्वारा ट्राई किया जा रहा है कि अभी यहाँ पे उसको आगे फ्यूचर के अंदर और जो है वो सेफ और काफी एक्यूरेट बनाया जाए। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो भारत वेस्ट इंडीज के बैट्समैन क्रिस गेल उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने शाहिद अफरीदी को जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आपके ओडीआई क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का जो शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है। शाहिद अफरीदी का 436 का रिकॉर्ड था, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड भी ये टूट गया है, एंड अभी जो है अभी टोटल 500 छक्के जो है लगा चुके हैं। मैं भी स्क्रीन पे लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि वो स्क्रीन पे लिखने के लिए मैं कोशिश करता हूं तो बंद हो जाता है। ओके, सो अभी यहाँ पे 500 छक्के का रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है, द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड जिन्होंने अपने कैरियर के अंदर 500 छक्के लगाए हैं। साथ ही अभी क्रिस गेल ने 2019 के अंदर वर्ल्ड कप के बाद अपने रिटायरमेंट की घोषणा यहाँ पे कर दी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स हैं आपके ब्रैंडन मैकमुलम एंड उसके बाद सनत जयसूर्या, रोहित एमएस धोनी, ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल सिक्सेस लगाए हैं। द वन ऑफ द वन एंड ओनली क्रिस गेल जो अभी तक 500 छक्के लगा चुका है, अभी 3 या 4 मार्च को एक मैच था जिसके अंदर उसने 500 छक्के का रिकॉर्ड अपना पूरा किया था। सो बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर यहाँ पर आ रही है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसने इंडिया को यहाँ पे जो है वो बैन कर दिया है आने वाले फ्यूचर के इवेंट्स के लिए। उसका रीजन यहाँ पर ये था कि अभी नई दिल्ली के अंदर IISF का आपका इंटरनेशनल जो शूटिंग फेडरेशन है उसका वर्ल्ड कप आयोजित किया गया, और इस वर्ल्ड कप के अंदर 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स यहां पर आने थे, लेकिन अभी भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ गया था। टेंशन बढ़ने के कारण भारत ने पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको वीजा देने से मना कर दिया, उसके कारण इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो आपका ओलंपिक कमेटी है और भारत के बीच में काफी यहां पर विवाद हुआ, और उसके बाद अल्टीमेटली यहां पर तय किया गया कि भारत को किसी भी प्रकार के फ्यूचर के जो इवेंट्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने, मतलब भारत उसको
को होस्ट नहीं कर पाएगा, भारत उसकी मेजबानी नहीं कर पाएगा जब तक भारत यहाँ पर लिखित के अंदर नहीं देता कि गवर्नमेंट जो है इस तरह की कोई फ्यूचर के अंदर घटना यहाँ पे नहीं करेगी। लेकिन अभी यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया इस बात को कि भारत के अंदर जो सुरक्षा हालात है वो काफी सही नहीं है, और स्पेशली जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनको यहाँ पे देश के अंदर समस्या हो सकती है, उनको थ्रेट हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसको जो है वो उनको वीजा यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया। अभी आपको मैं बता दूंगी यहाँ पर जो ISF के अंदर जो भी खिलाड़ी जीतेंगे ये डायरेक्ट टोक्यो ओलंपिक जो गेम्स है उसके अंदर यहाँ पे इसके विनर डायरेक्ट एंटर कर जाएंगे, वहाँ पे कोटा है यहाँ पे ISF का जिसके द्वारा वो एंटर कर जाएंगे, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो उसके अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जिसके कारण इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है भारत से काफी नाराज थी। खैर मोदी जी हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। अगली खबर की यहाँ पर बात तो अभी वॉलीबॉल लीग जो प्रो वॉलीबॉल लीग टाइटल जो पहला यहां पर आयोजित किया गया उसको चेन्नई स्पार्टन्स करके टीम है उसने इसको यहाँ पर जीत लिया है। प्रो वॉलीबॉल लीग का ये पहला सेशन यहाँ पर हुआ था और अभी उसके बाद ये जो टीम है चेन्नई स्पार्टन्स, ये टीम जो है आपके FIVB एशियन मेंस क्लब वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता है, जिसे आपका आप कह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी होता है क्रिकेट के अंदर, सेम यहाँ पर वॉलीबॉल के अंदर FIVB आपका एशियन मेंस क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसके अंदर ये टीम जाए वहां पर जाके पार्टिसिपेट कर पाएगी। चेन्नई स्पार्टन्स ने कैलिकट हीरो जो है उनको यहाँ पर फाइनल के अंदर डिफीट किया। बाकी टीम यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे अहमदाबाद डिफेंडर्स, मुंबई वॉली एंड कोची ब्लू, ब्लैक हॉक और ऐसी काफी सारी टीम उसके अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करी जिसके अंदर चेन्नई ने यहाँ पे इस टूर्नामेंट को यहाँ पे जीत लिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो अगली खबर यहाँ पर भारत के अंदर जो चीता है जो 1952 के आसपास जो है भारत के अंदर स्पॉटेड चीता, जो आपके जो धब्बे वाले जो चीता है वो भारत के अंदर समाप्त हो गए थे, अभी उनको नामीबिया से फिर से रीइंट्रोड्यूस पार्ट से उनको फिर से नामीबिया से लाया जा रहा है, और मध्य प्रदेश का जो नौरादेही सेंचुरी है नौरादेही सेंचुरी के अंदर वापस इनको एस्टैब्लिश किया जाएगा, यहाँ पर इनको फिर से स्थापित किया जाएगा। तो उसके लिए जो है वो आपका जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा और बाकी सभी एजेंसीज द्वारा यहाँ पर इसकी परमिशन मिल गई है। 2012 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था चीता रीइंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट, चीता को पुनर् जो है स्थापित करने का प्रोजेक्ट, जो अब जाकर जो है वो सक्सेसफुल हो पा रहा, जिसके अंदर मध्य प्रदेश का कूनोपालपुर, आपके गुजरात का वेलवदार नेशनल पार्क और तल चपार सेंचुरी जो है राजस्थान की, इन जगहों पर इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर से इसको स्थापित भारत के अंदर किया जाएगा। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो FATF, इट्स कॉल्ड द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया है। पहले समझते हैं व्हाट इज द FATF, क्या होता है ग्रे लिस्ट, क्या होता है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये एक आपके जो G7 कंट्रीज और बाकी कुछ 37 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो आपके IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर जो भी आपको लोन मिलता है कंट्रीज को, तो उसको ये मैनेज करते हैं, उसके रिकमेंडेशन करते हैं कि किस कंट्री को लोन देना है किसको नहीं देना है, तो उसको यहाँ पे ये रिकमेंड करते हैं, एंड फॉर दैट पर्पज जो है FATF काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी पाकिस्तान ने जो भारत के ऊपर पुलवामा में अटैक करवाया जैश मोहम्मद की हेल्प से, तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा कि वो जैश मोहम्मद, लश्कर तोयबा, जमातुल दावा जैसे वहां पर इंस्टीट्यूट है, वहां पर जो आतंकवादी संगठन है उनके ऊपर रोक लगाए, और जब तक वो रोक नहीं लगाता तब तक उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ग्रे लिस्ट में डालने के बाद ये होगा कि पाकिस्तान को IMF से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाला अगला जो लोन है वो यहाँ पर तब तक के लिए वो रुक गया है कि जब तक वो ग्रे लिस्ट में रहेगा तब तक उसका लोन जो है वो होल्ड पर रहेगा। अगर किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, जैसे अभी हम बात करें आपकी जो नॉर्थ कोरिया है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर है, तो ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद उसको कोई किसी भी प्रकार से, चाहे वो IBRD हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, किसी से किसी प्रकार का लोन नहीं मिलता है। ओके, तो पाकिस्तान के अंदर उसको लगातार उसके ऊपर दबाव है कि वो जो दाइश है, दाइश इज ISIS जो उसको पाकिस्तान में या अरबी भाषा में दाइश कहा जाता है, अलकायदा, जुमत उल दावा, फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन, लश्कर ए तोयबा, जैश मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट वहाँ पे काम, जो संस्थान वहाँ पे आतंकवादी संस्थान काम कर रहे हैं उनको रोक लगाने की बात वहाँ पे की जाएगी। कितनी कमाल की बात है ना कि एक देश है जो दोनों एक साथ आजाद हुए और एक देश के अंदर इतने बड़े आतंकवादी संगठन है, जबकि हमारे भारत देश के अंदर जो है वो कई सारे NGOs हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है आतंकवाद के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा जो है वो हिंदुस्तान हमारा। ओके, अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने, उन्होंने यहाँ पे दो सिल्क प्रोजेक्ट जो है आसाम के अंदर यहाँ पे लॉन्च किए हैं। इट्स कॉल्ड द न्यू इरी प्लांटेशन स्कीम, यहाँ पे जहाँ पर इरी स्पून मिल्क प्रोजेक्ट, जो मिल्क प्रोजेक्ट है उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है, जहाँ पर आपका जो ककून होता है, आपका जो
जिसको रेशम का कीड़ा बोलते हैं, तो रेशम के कीड़े और बाकी जो है यहाँ पे उनसे मिलने वाला जो यहाँ पे रेशम प्रोड्यूस होगा, जिसके द्वारा यहाँ पर जो वीविंग वगैरह का काम है, यहाँ पर जो आपके कपड़े बुनने का काम जो है वहां पे इन एरियाज के अंदर यहाँ पे किया जाएगा। अगली खबर की यहाँ पे बात करें तो इंडिया के मुश्ताक अहमद जो है उनको AHF का जो है एशियन हॉकी फेडरेशन का नया अध्यक्ष जो है वो उनको यहाँ पे वाइस चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे उप अध्यक्ष उनको यहाँ पे चुना गया है। साथ ही भारत की आशिमा अली जो है उन वो शी इज द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द आपके जो इंटरनेशनल आपका एशियन हॉकी फेडरेशन है उसके अध्यक्ष उसके आपका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसके रूप में उनका नियुक्ति यहाँ पे किया गया है। ठीक है, मुश्ताक अहमद जो है वो भारत के प्रेसिडेंट जो है वो हॉकी इंडिया जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष भी हैं और उनको जो है एशियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो फर्स्ट सिकारिया मेगा फूड पार्क जो है वो त्रिपुरा के अंदर यहाँ पे आज जो है वो लॉन्च किया गया। त्रिपुरा का ये पहला आपका फूड पार्क है जो अभी त्रिपुरा के अंदर जो आसपास लोग हैं वहां पर अगरतला और आसपास वहां पे जो किसान है किसान लोगों को काफी हेल्प करेगा। इट्स 17th फूड पार्क इन इंडिया, भारत के अंदर जो है 17वां फूड पार्क जो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, इट्स अ सिकारिया मेगा फूड पार्क जो है आपके अगरतला के पास में इसको जो है स्थापित किया गया है। इसको हमारे यूनियन मिनिस्टर है साध्वी निरंजन ज्योति उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन जो है वो अगरतला के अंदर त्रिपुरा राज्य के अंदर किया गया है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो बिहार जो है वो पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने अपने राज्य के अंदर जो आपका जो शराबबंदी है शराबबंदी के लिए यहाँ पर जो है डॉग स्क्वाड का या फिर जो कुत्ते का एक जो बैगेट होता है उसका उपयोग यहाँ पे किया है। बेसिकली ये जो है वो आपके आर्मी या फिर बाकी पुलिस वाला जो उपयोग किया जाने वाले स्नीफर डॉग्स हैं इनको स्पेशल ट्रेनिंग यहाँ पे लिकर को सूंघने के लिए यहाँ पर दी गई है। ऐसे 20 यहाँ पे आपके 20 ऐसे कुत्ते हैं जो अलग अलग एरियाज के अंदर जहाँ पे ये उसको स्मेल करेंगे और बताएंगे कहाँ पर शराब है, क्योंकि बिहार के अंदर 2016 से जो है शराब पूरी तरीके से वहाँ पे बैन है। लेकिन अभी फिर भी वहाँ पर कई सारी जो देखा बहुत बार न्यूज में सुनने को आता है कि वहाँ पर आपकी जो शराब है वो शराब कई मात्रा में वहाँ पे पाई जाती है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो गुजरात ने यहाँ पर एक नई स्कीम, इट्स कॉल्ड द सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो है उसको यहाँ पर लॉन्च किया है। बेसिकली ये जो सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना ये इसका सेकंड एडिशन है। इसके पहले भी गुजरात जो है इस स्कीम को लॉन्च यहाँ पे कर चुका है। इस स्कीम के अंतर्गत पूरे गुजरात के अंदर जो रेन वाटर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम या फिर आपके जो जो वर्षा का जल है उसको संचय करना और क्लीनिंग एंड डिसिल्टिंग ऑफ रिवर फ्रंट जो है आपके नदी के अंदर जो आप सुना होगा गाद जम जाती है ना, जो मिट्टी जो पानी बहा के नदी जो पानी बहा के लाती है वो पानी जो है उसके साथ में कंकर पत्थर भी आते हैं और धीरे धीरे एक सॉइल की लेयर या फिर आप कह सकते हैं कि जो मिट्टी है वो मिट्टी वहां पर जो रिवर फ्रंट्स के अंदर इकट्ठी हो जाती है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे उसकी डिसिल्टिंग या फिर उस गाद को वहां पर हटाया जाएगा जिसके कारण रिवर्स की जो कैपेसिटी है रिवर फ्रंट की जो कैपेसिटी वो कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, ज्यादा जो है पानी वहां पर उसके अंदर स्टोर हो सकेगा। तो ये किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जितने पुराने कैनाल्स वगैरह हैं आपकी नहर है उन नहर वगैरह को यहाँ पर साफ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू अंडर द दिस स्कीम। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो इंडिया को जो है वो पहली बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन उसके अंदर यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। खैर इसके पहले 1974 के अंदर भी भारत को इसके अंदर बुलाया गया था लेकिन उस समय पाकिस्तान ने भारत का विरोध किया था। नमस्कार रवि, पाकिस्तान ने भारत का विरोध किया था और उसके बाद जो है भारत वहां पर उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार जो है नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण भारत को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन OIC के अंदर या अबू धाबी के अंदर जो हुआ था उसके अंदर भारत ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही वी आर द गेस्ट ऑफ ओनर, हम जो है वो विशेष अतिथि के रूप में इसके 46वें सेशन के अंदर शामिल हुए थे। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दुनिया के जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम जो कंट्रीज है उसके पहले जो है भारत इसके अंदर पार्टिसिपेट करने गया था लेकिन उसको भारत पाकिस्तान ने वीटो करने के कारण भारत को इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। तो ये हमारे लिए काफी एक अच्छी जीत है। हमारी सुषमा स्वराज जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भारत की तरफ से वहां पे पार्टिसिपेट किया। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो थाईलैंड और यूनाइटेड स्टेट के बीच में थाईलैंड के अंदर आयोजित की गई। बेसिकली यहाँ पर कई सारी दूसरी कंट्रीज 29 कंट्रीज जो है इसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जिसके अंदर इंडिया सिंगापुर जापान चाइना इंडोनेशिया मलेशिया और साउथ कोरिया
जैसी कंट्रीज हैं, उन्होंने यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। अभी इंडिया है, अभी उसके अलावा इंडिया यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसके अंदर यहाँ पे ऑब्जर्वर कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 2016 में शामिल हुआ था। भारत और चाइना इसके अंदर ऑब्जर्वर कैटेगरी के अंदर या फिर एक पर्यवेक्षक के रूप में इसके अंदर शामिल होते हैं। इंडिया एंड चाइना इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ दैट, लेकिन अभी अमेरिका और जो थाईलैंड के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होने के कारण हमको भी सेक्सेस इसके अंदर कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज में एज अ ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। बात करते हैं अगली खबर की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है उसको गोरखपुर उत्तर प्रदेश से यहाँ पे लॉन्च किया है। बेसिकली आपका ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके अंदर किसानों को 6,000 रुपया हर साल जो है सरकार द्वारा हर 4 महीने के अंदर दिया जाएगा। तो बजट 2019-20 के अंदर इसके जो इंटरिम बजट था उसके अंदर इसकी घोषणा यहाँ पे की गई थी कि अभी हर 4 महीने में किसानों को यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। इसके अंदर किसानों के नाम जो है pmkisan.nic.in नाम की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर वहाँ पर अवेलेबल है और जो भी एलिजिबल किसान है उनके लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है और उनके अकाउंट में जो है 2,000 रुपए की जो पहली किस्त है वो रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले जो है जैसे ही इसको इनॉग्रेट किया गया उसके कुछ दिन बाद उनको किसानों को जो राशि है वो 2,000 रुपए की मिल जाएगी। वैसे 2,000 रुपया हर 6,000 रुपया पर साल किसानों के लिए काफी कम है, लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा या फिर थोड़ा बहुत हेल्प किसानों का यहाँ पर इसके अंदर हो जाएगा। बाकी काफी सारी स्कीम्स के द्वारा गवर्नमेंट जो है किसानों की यहाँ पे हेल्प कर रही है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड बैंक, यूएन वुमेन एंड सिडबी, उन्होंने वुमेन्स लाइवलीहुड बॉन्ड जो है यहाँ पे लॉन्च किया है। अभी महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पर ये बॉन्ड जो है उसको जारी किया गया, जहाँ पे हमारा जो सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर यहाँ पे 300 करोड़ रुपए का बॉन्ड यहाँ पे जारी किया गया। उसके अंदर जो है कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह है, स्वयं सहायता समूह जो है उसके अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको जो है 50,000 रुपये से 3,00,000 रुपये तक का जो उनको लोन है वो लोन यहाँ पर इसके द्वारा मिल सकता है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह, उनको AHF आपके एशियन हॉकी फेडरेशन के प्लेयर ऑफ द ईयर आपके साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे चुना गया है। और अभी मनप्रीत सिंह जो है हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं और काफ़ी लंबे भारतीय टीम के लिए यहाँ पे एज ए कैप्टन खेल रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे 18 वर्ष के खिलाड़ी, इसका नाम है लारे मिशानी, उनको यहाँ पे राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर सबसे उभरते खिलाड़ी का अवार्ड जो है वो दिया गया है। शी इज ऑल्सो फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पर जो है वो मस्कट के अंदर जो अभी ट्रॉफी हुआ था उसके अंदर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और उन सब चीजों के कारण उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो गवर्नमेंट ने रेल दृष्टि डैशबोर्ड जो है यहाँ पे लॉन्च किया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो वेबसाइट है जो गवर्नमेंट द्वारा और ऐप भी है, दोनों यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसका यहाँ पर मेन जो पर्पस है वो यहाँ पर ये है रेल दृष्टि का, जिसके द्वारा रेलवे के जो भी ऑनगोइंग वर्क्स हैं, जो भी काम रेलवे के चल रहे हैं वो वहाँ पर उसके अंदर शो होंगे कि रेलवे कहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे किस लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो रेलवे के ऑफिशियल्स जो है या लोगों को वहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर जो रेलवे से संबंधित जानकारी है वो यहाँ पर उनको मिल सकेगी। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अंदर वॉर मेमोरियल, युद्ध संग्रहालय जो है उसका यहाँ पर उन्होंने इनॉग्रेशन किया। और अभी आपका जो 26 फरवरी को उन्होंने उसका इनोग्रेशन किया। तो लंबे समय से 1970s के जब से हमारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब से वॉर मेमोरियल युद्ध संग्रहालय की डिमांड जो है वो देश के अंदर चल रही थी। तो 1971 के अंदर बेसिकली आपका जो इंडिया गेट है वो इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति इस्टेब्लिश की गई थी। लेकिन अभी हमारे जो अमर जवान हैं उनके उनके जो योगदान है देश के लिए उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत थी। तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो वॉर मेमोरियल लाल जो आपका इंडिया गेट है उसके जस्ट पीछे की साइड यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर बेसिकली 4 चक्र हैं। फर्स्ट इज द अमर चक्र या फिर सर्कल ऑफ इमॉर्टेलिटी, जहाँ पर आपका जो जो सैनिक है वो एक पूरे वहाँ पे वृक्ष का पूरा, एक पेड़ों का पूरा वहाँ पे एक चक्र बनाया गया है। सेकेंड इज द वीरता चक्र, इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ ब्रेवरी, जिसके अंदर बेसिकली वीरता चक्र के अंदर आपके जो जितने भी अभी तक हमारे अलग अलग युद्ध के अंदर 47 में, 62 में, 65 में, 71, 99, इन सभी युद्ध के अंदर जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं तकरीबन 25,692 नाम जो है वहाँ पर उसके ऊपर एक प्लेट्स के ऊपर वहाँ पे लिखे गए हैं। त्याग चक्र के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी हमारी बैटल्स हुई है वो बैटल्स के बारे में वहाँ पर जानकारी वहाँ पर दी गई है कि जो भी मेन बैटल्स हुई है, जैसे आपका चकमोर का बैटल, बहुत सारी अलग अलग बैटल्स, उन सभी बैटल्स के बारे में जानकारी वहाँ पे दी गई है। उन सभी बैटल्स के ऊपर भी एक कोर्स मैं बनाऊंगा बहुत ही जल्द, जो
आपको मैं आप यहाँ पर आपके सामने लेके आऊंगा, तो काफी जो है वो एक मोस्ट अवेटेड इनॉग्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा यहाँ पे किया गया। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो नेशनल आप हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने नेशनल प्रोग्राम टू एलिमिनेट वायरल हेपेटाइटिस जो है उस बीमारी को यहाँ पे रोकने के लिए, उस बीमारी को रोकने के लिए जो है एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया, जिसके अमिताभ बच्चन आपको पता है कि उसके गुडविल एम्बेसडर हैं आपके हेपेटाइटिस के, और जो WHO का साउथ ईस्ट रीजन है उसका पूरा जो है वो अमिताभ बच्चन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमिताभ बच्चन और उन्होंने मिलकर नेशनल एक्शन प्लान ऑन वायरल हेपेटाइटिस जो है उसको लॉन्च किया है, जहाँ पर हमारे हेपेटाइटिस के कारण जो मरने वाले लोग हैं वो काफ़ी भारत के अंदर काफ़ी बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 2030 तक हेपेटाइटिस जो सी है उसको पूरी तरीके से देश के अंदर से समाप्त कर दिया जाएगा। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो चाहबार, जो ईरान के अंदर जो चाहबार पोर्ट हमने बनाया था उसका जो है अफगानिस्तान ने उसका उपयोग करना यहाँ पे शुरू कर दिया है, और अभी आपको जैसा पता है कि जो भारत और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पे चाइना द्वारा पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर बनाया गया था इन बलूचिस्तान, और उसको काउंटर करने के लिए भारत ने ईरान के अंदर चाहबार पोर्ट बनाया है, और काफी लंबे समय से उसका जो काम है वो चल रहा था, अभी अल्टीमेटली जो है उसका उपयोग करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पे जारांस करके एक सिटी है वहां से, और जो नौरोज प्रोविंस के अंदर अफगानिस्तान के अंदर, वहां से जो है पहली खेप यहाँ पर भारत की ओर यहाँ पे आई है। अफगानिस्तान जो है वहां पे चाहता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में $2 बिलियन का जो आपका बिजनेस है वो हर साल हो, जो अभी $1 बिलियन जो अगले एक साल के अंदर उसको डबल यहाँ पे जस्ट करना चाहते हैं। तो काफी अच्छी बात है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में टाइज काफी बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज जो है वो अफगानिस्तान पहुंचना चाहती है या ईरान पहुंचना चाहती है तो वो उस चाबहार पोर्ट का उपयोग करके भारत का मतलब भारत के द्वारा जो बनाया गया पोर्ट है उसका उपयोग करके वहां पे जा सकती है। तो पाकिस्तान को जो है उनको मिन्नतें करने की जरूरत अब हमको नहीं पड़ेगी, वैसे पहले भी नहीं करते थे और आगे भी अब हमको उसको बोलने की जरूरत नहीं करेगी। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के अंदर मंकी है उनको वर्मिन उनको उत्पादी जो जानवर है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी आपको पता है कि बहुत सारी जगह हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड यहाँ पर जो बंदरों की संख्या काफी काफी ज्यादा है और काफी उत्पाद मचाते हैं। आप जैसे जनरली आप जाते होंगे किसी भी टूरिस्ट प्लेस के ऊपर, चाहे वो आपका कोई भी हो, वैष्णो देवी हो या फिर मथुरा वगैरह आप जाते हैं, तो वहां पर जो जानवरों की संख्या है आपके जो बंदरों की संख्या काफी ज्यादा वहां पर है, और उसके कारण क्या होता है कि उसके कारण काफी आपको परेशान किया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के अंदर एक अलग ही समस्या है, वहां पर जो बंदर है वो किसानों की जो फसल है वो फसल को नुकसान करते हैं, और अभी ये बंदर या किसी प्रकार से जानवर को मारना जो है वो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके सेक्शन 62 के अंतर्गत यहाँ पे अपराध है। लेकिन अगर किसी जानवर को आप वर्मिन की कैटेगरी के अंदर या उत्पादी जानवर की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं तो उसके बाद उसको मारना जो है वो अपराध नहीं रह जाता है। लास्ट ईयर आपको अगर याद हो तो नील गाय बिहार के अंदर उसको डाला गया था इन द कैटेगरी ऑफ वर्मिन, और अभी बंदर को यहाँ पे डाल दिया गया है। वैसे बंदर तो हनुमान जी का रूप हम मानते हैं, लेकिन अभी उत्पाद मचा रहे हैं तो अभी उनको जो है वहाँ पे उनके ऊपर कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो GST काउंसिल की मीटिंग के अंदर यहाँ पे आपके जो अफोर्डेबल हाउसेज हैं, जो छोटे घर जो बनते हैं, उनको यहाँ पर टैक्स के अंदर छूट दी गई है। तभी उनके अंदर उनको जो है जो आपका GST है उसको 5% की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे उसको लेके आया है। अभी उसके अंदर यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि अगर आप कोई अफोर्डेबल हाउस बनाते हैं, मतलब उस घर का जो एरिया है वो 90 square meters इन द नॉन मेट्रोपोलिटन एरिया और 60 square meters जो है मेट्रोपोलिटन एरिया, मतलब आपके मेट्रो के अंदर दिल्ली मुंबई वगैरह में 60 और बाकी शहरों के अंदर 90 square meters का अगर आप घर बनाते हैं, इट्स कॉल्ड द अफोर्डेबल हाउस। और यहाँ पर आप घर बनाते हैं और उसको घर को बनाने में आप जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे आपने सरिया खरीदा, सीमेंट खरीदा या दूसरी कुछ मटेरियल खरीदा, उसके अंदर आप जो GST पे करते हैं, ऑलरेडी आप कुछ भी खरीदेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको GST पे करना पड़ेगी, और वो जो है आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वहां पर ले सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि जो आपने टैक्स पहले भर चुके हैं वो आपको टैक्स वापस रिटर्न वहां पर मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल कि आपने घर बनाया और उसके अंदर आपने 25 लाख का सामान खरीदा, जिसके अंदर 25 लाख में आपने 2 लाख रुपए जो आपने टैक्स के अंदर पे किया था, लेकिन आपका जो टैक्स का जो टैक्सेबल इनकम है उसमें आपका सिर्फ 1 लाख रुपए टैक्स बन रहा, तो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट जो है आपको टैक्स के अंदर वहां पर रिटर्न यहाँ पे कर देगी। ओके, अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो
अभी ऑस्कर सम्मान जो है 2019 के यहाँ पर आयोजित जो है वो घोषित किए गए, जिसके अंदर बोहेमियन रॉस्पैडी करके एक व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पे कई सारे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर उनको ऑस्कर से सम्मानित यहाँ पे किया गया। उनको बेस्ट साउंड एडिटिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है उनको यहाँ पे मिला है। जबकि एक भारत की फिल्म है पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस, उसको अभी आपके शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी के अंदर है ना, उसके अंदर उनको यहाँ पर जो अवार्ड है वहाँ पे ऑस्कर अवार्ड से इस मूवी को सम्मानित किया गया। पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस जो वुमेन्स के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स वुमन की है उसके ऊपर ये फिल्म को बनाया गया था और काफी अच्छी फिल्म है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज एक बार इस फिल्म को जरूर देखिएगा। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो भारत के सौरभ चौधरी, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर आयोजित ISSF का जो शूटिंग का वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है और गोल्ड मेडल जीतने के बाद जो है वो अभी पार्टिसिपेट करेंगे इन द अभी 2020 के अंदर जो ओलंपिक होगा टोक्यो के अंदर, उसके अंदर पार्टिसिपेट भारत की तरफ से यहाँ पे करने वाले हैं। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड आपका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके नए जो चेयरमैन है वो ब्रजभूषण जो है उनको इलेक्ट किया गया है। ब्रजभूषण जो है वो इट्स फॉर द थर्ड टाइम जो है इसके प्रेसिडेंट के रूप में उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। इसके पहले भी दो बार भारत के इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ब्रजभूषण जो है वो पहले समय पे रेसलिंग के काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो है वो उसके रूप में पहले भारत की तरफ से वो कॉमनवेल्थ वगैरह में खेल चुके हैं। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो अभी सूडान के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के स्टेट गवर्नर थे अयाला, उनको वहाँ के मोहम्मद ताहिर अलाया, उनको यहाँ पे सूडान के प्राइम मिनिस्टर, सूडान के प्रधानमंत्री उनके रूप में इलेक्शन के अंदर उनको नॉमिनेट किया गया, अपॉइंट वहाँ पे किया गया, तो इनका नाम जो है आपको याद रखना है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो सऊदी अरब ने पहली बार अपनी फीमेल ब्रांड एम्बेसडर, महिला जो है वो राजदूत है यूनाइटेड स्टेट के अंदर नियुक्त किया है, उनका नाम है रीमा बिंत बंदेर। रीमा बिंत बंदेर जो है वो एक फिलंथ्रोपिस्ट है, मतलब अभी एक समाज सेविका भी है और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट के अंदर काफी लंबे समय तक पहले भी उन्होंने काम किया है। अभी इसके पहले जो है प्रिंस खालिद बिन सलमान जो वहां के पहले यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है वो आपके सऊदी अरब के वहाँ पे एम्बेसडर थे, लेकिन अभी यहाँ पर एक जर्नलिस्ट थे उसका नाम था खाशोगी, उसका मर्डर हो गया था और कहा जा रहा था मर्डर जो है वो हुआ है सऊदी अरब की आपके जो एम्बेसी है वहाँ का जो दूतावास है उसके अंदर। उससे और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अफगानिस्तान आपके सऊदी अरेबिया के ऊपर बढ़ रहा था और उस प्रेशर को एक्सर्ट करने के लिए यहाँ पर रीमा बिंत बंदेर जो है उनको अपॉइंट किया गया है और प्रिंस खालिद बिन सलमान जो वहाँ के रॉयल फैमिली के मेंबर हैं उनको जो है उनको वहाँ से जो उनको वहाँ पे अपॉइंट किया गया और प्रिंस को वहाँ से हटा लिया गया ताकि किस प्रकार का जो लीगल एक्शन हो प्रिंस के खिलाफ ना हो सके। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो अभी जैसा आपको पता है 14 फरवरी को पाकिस्तान समर्थित जैश जो मोहम्मद है उन्होंने भारत के ऊपर आतंकवादी हमला किया था पुलवामा के अंदर, और उसका जवाब देने के लिए हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने LOC क्रॉस की और LOC क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान के खेबर पख्तूनवा इलाके के जो वहाँ का प्रोविंस है वहाँ का प्रांत है उसके बालाकोट के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की, जहाँ पर कहा जा रहा है कि 200 से 300 जो आतंकवादी हैं उनको वहाँ पर मार गिराया। इसके लिए यहाँ पर मिराज 2000 जो है जो जेट्स हैं उनका उपयोग यहाँ पे किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 1000 किलो जो बॉम्ब है वो हमने वहाँ पे जाके गिराए थे। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 1971 के बाद हमारी जो एयरफोर्स है हमारी एयरफोर्स ने यहाँ पे जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर एंटर किए हैं। जबकि बालाकोट जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर नहीं है, ये जो आपका जो एरिया है इट्स लोकेटेड इन द पाकिस्तान की खुद की जो सॉवरेन टेरिटरी है उसके अंदर जो है ये एरिया यहाँ पे लोकेटेड है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि इतने अंदर तक हमारी आर्मी जो है वहां पे गई है। अगली खबर की यहां पर बात करें तो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है उन्होंने इट्स टिंटावाला म्यूजियम जो है राजस्थान के अंदर यहाँ पे बागरू नामक की जगह है वहाँ पर इनोग्रेट किया। अभी जो बागरू प्रिंटिंग है यहाँ पर वो एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, जो है वो एक पारंपरिक डिजाइन जो है वहाँ के राजस्थान के जो छिपा कम्युनिटी है उसके द्वारा वहाँ पर उनको बनाया जाता है और जो उनका पूरा एक म्यूजियम है उसको यहाँ पर इनोग्रेट किया है। बेसिकली यहाँ पर जो कपड़ा होता है जिस कपड़े के ऊपर प्रिंट बनाना होता है उसको जो है वो टर्मरिक के पानी के अंदर आपके जो
हल्दी का जो पानी होता है, हल्दी के पानी के अंदर डुबाया जाता है और उसके बाद उस पानी उस कपड़े को वहाँ पे डाई किया जाता है। बहुत लंबी प्रोसेस के द्वारा यह कपड़ा यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे माहेश्वरी साड़ी है, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर आप बात करेंगे चंदेरी साड़ी, तो उस तरह से वहाँ पर जो है ये छिपा साड़ी वहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, जो वहाँ की छिपा कम्युनिटी द्वारा बनाए, छिपा मतलब छापा आप उसको बोल सकते हैं, उसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो मरीन लिविंग रिसोर्सेज इकोलॉजी जो है उसका एक नया सेंटर जो है वो यहाँ पे कोचिन केरला के अंदर यहाँ पे इनोग्रेट किया है। हमारे जो अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने इसका इनोग्रेशन जो है वहाँ पे कोचिन के अंदर किया है। बेसिकली ये सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज इकोलॉजी जो है CMLRE, यहाँ पर जो आपके ओशन डेवलपमेंट, आपके जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा के समुद्र के अंदर जो है वो अलग अलग रिसर्च डेवलपमेंट है, उसका काम यहाँ पे करने वाला है। तो नाम याद रखिएगा कि कहां पर इसको स्थापित किया गया। अगली खबर की यहां पर बात करें, तभी यहां पर भारत के ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता, उनको कैनिस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी जो है वो उन्होंने यहां पे जीत ली है। एंड ये जो इवेंट है वो चाइना के अंदर आयोजित किया गया था, जहां पर उन्होंने यहां पे इस इवेंट को यहां पे जीता है। अगली खबर की यहां पर बात करें तो अभी यूनिसेफ ने यहां पर भारत के अंदर जो चलने वाला जो पोषण अभियान है उसकी यहां पर उन्होंने तारीफ की, उसको काफी उन्होंने उसका रिसर्च किया, उसके बाद यहां पर पाया है कि इंडिया के अंदर जो है जब से पोषण अभियान 2012-13 से लॉन्च किया गया है, जिसके बाद से नेशनल न्यूट्रिशन मिशन बेसिकली हम उसको बोलते हैं, उसके बाद भारत के अंदर लगातार जो आपका जो आपका इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी हो, या फिर आपका जो मदर मोर्टेलिटी हो, मदर MMR हो, वो यहाँ पर भारत के अंदर धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रहा। साथ ही जो एडोलसेंट वो गर्ल्स हैं, जो आपकी जो टीनेजर गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट वुमन हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी न्यूट्रिशन को, उनके पोषण को यहाँ पर बढ़ाने के लिए अंदर काफी यहाँ पे कारगर ये सिद्ध हो रहा है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो अफगानिस्तान की टीम ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। अफगानिस्तान के और आयरलैंड के बीच में एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ और T20 क्रिकेट मैच हुआ, जिसके अंदर जो अफगानिस्तान है उसने अब तक का T20 इंटरनेशनल का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड 278 रन जो है उन्होंने यहाँ पे बनाया है, और उसने ये रिकॉर्ड बना के ऑस्ट्रेलिया के जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को यहाँ पे तोड़ दिया है। अफगानिस्तान के एक बैट्समैन, इट्स नाम इज द जरातुल्लाह जजाई, उन्होंने जो है इस मैच के अंदर 162 रन ऑन जस्ट 62 बॉल्स उन्होंने बनाया, जिसके अंदर 11 चौके और 16 छक्के उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। 140 रन उन्होंने सिर्फ बाउंड्री से यहाँ पे जो है हासिल किए हैं। क्या मैच होगा, वो मैच देखने लायक होगा, मैंने देखा नहीं, अगर हाईलाइट हो तो बिल्कुल उस मैच को मैं जरूर देखूंगा। ठीक है, अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो श्रीलंका जो है वो अफ्रीका के अंदर क्रिकेट मैच सीरीज जीतने वाला जो है पहला यहाँ पे क्रिकेट टीम यहाँ पे बन गया है। अभी तक भारत भी जो है वहाँ पे साउथ अफ्रीका की जमीन पर जाके अभी तक उसको डिफीट नहीं कर पाया है, और आपके श्रीलंका जो है उसने यहाँ पे काम यहाँ पे कर दिखाया है ना। अभी आपका यहाँ पर जो ये जो इवेंट हुआ इसके अंदर कुसेला परेरा वहां के जो बैट्समैन है उनको मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड है उसको सम्मानित यहाँ पे किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को जो है वो अपनी धरती पे जो है उसके पहले श्रीलंका हरा चुका है। वैसे भारत भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को उसकी धरती पे हरा चुका है, लेकिन साउथ अफ्रीका को अभी तक भारत नहीं हरा पाया है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो भारत द्वारा जो है पाकिस्तान के बीच में अभी जो टेंशन चल रहा है, उसी दिन जिस दिन हमने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, सेम डे हमने भारत ने जो QRSAM एक नाम की एक नई जो है सरफेस टू एयर मिसाइल जो है सरफेस से लेके हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है उसका इनोग्रेशन, उसका जो टेस्टिंग है वो भारत ने यहाँ पे किया है। बेसिकली ये DRDO द्वारा बनाई गई है, उसका जो रेंज है वो ज्यादा नहीं है, 25-30 किलोमीटर का इसका रेंज है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर एक इसको आप एक जो जीप होता है मिलिट्री का या फिर आपकी नॉर्मल जो गाड़ी है उसके अंदर से भी आप इसको यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जो है काफी कारगर यहाँ पे साबित होगी, और आने वाले समय में जो आकाश मिसाइल है जिसको धीरे धीरे जो आपके आर्मी से है वो बाहर किया जा रहा है, तो उसकी जगह यहाँ पर QRSAM जो है उसकी जगह यहाँ पे लेने वाला है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी जो गीता है उसका उद्घाटन यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो इस्कॉन मंदिर है, कैलाश मंदिर, उसके अंदर उसने इनोग्रेशन उन्होंने वहाँ पे किया है। तो इस्कॉन जो है इट्स इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसाइसनेस, उनका मंदिर वहाँ पर है और विश्व की सबसे ऊंची सबसे बड़ी जो मूर्ति है उसको यहाँ पे बनाई गई है। इस मूर्ति को जो है वो 800 किलो तकरीबन इसका वजन है, और अभी आप इसको देखेंगे 670 इसके अंदर पेज हैं, 800 केजी इसका वजन है, 2.8 मीटर लंबी और 2 मीटर जो है वो चौड़ी यहाँ पर गीता है। आपने अगर मेरा सोशल मीडिया वगैरह देखा हो तो ये इसका मैं यहाँ पे इसको देखने गया था, उसके इमेज जो है वहाँ पर मैंने वहाँ पर डाला था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसको देखना,
और वर्ल्ड की सबसे बड़ी गीता है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो इसरो जो है उसने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट इमिसैट जो है उसको यहाँ पे इसरो ने लॉन्च किया है। अभी बेसिकली ये जो सैटेलाइट है ये आपके इंटेलिजेंस के लिए या फिर आपके जो हमारी जो आर्मी एयरफोर्स या आईबीज हैं उनके काम के लिए उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। उसके साथ इमिसैट के साथ में यहाँ पर इसरो जो है उसने 28 दूसरे जो सैटेलाइट हैं वो यहाँ पे लॉन्च किए हैं। और यहाँ पर सबसे खास बात यहाँ पर ये यह है कि 28 सैटेलाइट में वो 4 अलग अलग जो उसके ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अभी एक जो है वो एक सैटेलाइट 10 किलोमीटर के ऊपर, दूसरा 12 किलोमीटर, दूसरा 14 किलोमीटर, इसलिए अलग अलग हाइट्स के ऊपर इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ये पहली बार इसरो इस तरह का काम यहाँ पे कर रहा है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो असम जो है, असम की गवर्नमेंट ने एक नया कानून यहाँ पे पारित किया है। इट्स कॉल्ड द एक एक्ट वो लेके आए, इट्स कॉल्ड द प्रणाम बिल। प्रणाम जो है ये इस स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने माता पिता को जो है वो उनको संरक्षित करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। जनरली क्या होता है कि बच्चे बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को भूल जाते हैं और उनका ध्यान नहीं रखते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो भी यहाँ पर एक स्कीम है उसके अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है असम के अंदर वो अपने माता पिता और उनके फैमिली के अंदर कोई अनमैरिड डिफरेंटली एबल्ड सिबलिंग्स हैं, मतलब उनके जो अपाहिज कोई या फिर दिव्यांग जो उनके कोई भाई बहन है जो अनमैरिड है जिनकी शादी नहीं हुई है वो अगर घर के अंदर हैं तो उनका ध्यान रखना उन व्यक्तियों का यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी होगी। और अभी यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम यहाँ पे चेक करते रहेंगे कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह का ठीक से ध्यान रख रहे हैं नहीं। काफ़ी अच्छी स्कीम है जहाँ पर जो वृद्धाश्रम के अंदर जो कुछ लोगों के माँ बाप रहते हैं उनको अब नहीं रहना पड़ेगा। जस्ट वेट, अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो भोपाल और जोरहट, जोरहट इज इन द असम, यहाँ पर दो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है उनकी स्थापना यहाँ पे की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है एक आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के राष्ट्रीय महत्व के दो संस्थान है जिनको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्रमोशन DPIIT, जिसको पहले DIPB डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन कहा जाता था, उसका नाम चेंज करके अब डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड कर दिया गया है, नाम चेंज हो गया है DIPB का, याद रखिएगा यहाँ पे। तो ये जो है यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर यहाँ पर आता है और उनके द्वारा जो है यहाँ पे ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है भोपाल और जोरहट के अंदर जो जगह स्थापित किया गया है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश अमरावती, असम जोरहट, मध्य प्रदेश भोपाल और हरियाणा कुरुक्षेत्र, 4 जगह पर ये संस्थान जो है देश के अंदर स्थापित हो गए हैं। अगली खबर यहाँ बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज इज कॉल्ड द संप्रीति 2019 जो है वो तंगेल के अंदर आयोजित की गई। तंगेल इज लोकेटेड इन द आपके बांग्लादेश के अंदर, संप्रीति जो है वहां पे आयोजित की गई। दोनों देशों के बीच की मिलिट्री की जो है वो कंबाइन एक्सरसाइज जो है यहाँ पर इनके द्वारा आयोजित की गई है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो मोहम्मद बुहारी जो है वो नाइजीरिया के नए जो राष्ट्रपति हैं उनके रूप में उनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। दूसरी बार लगातार जो है स्टम्प के ऊपर इलेक्ट होने वाले ये व्यक्ति हैं और लोकल जो है वहाँ पे उनका नाइजीरिया के अंदर लोकल पॉलिटिक्स के अंदर काफी बड़े नेता यहाँ पे मोहम्मद बुहारी जो है माने जाते हैं। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो IRCTC से रेल का जो रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप है उसको नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, जो राष्ट्रीय जो है ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पे किया गया है। अभी उसके अलावा यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एक ऐप है, इट्स कॉल्ड इट्स अखंजी ऑनलाइन, और 14 दूसरे ऐप है उनको यहाँ पर इस अवार्ड के अंदर सिलेक्ट किया गया है। IRCTC का जो रेल कनेक्ट ऐप है वो रेलवेज की बहुत सारी दूसरी अलग अलग जो सर्विसेज हैं उन सभी सर्विसेज को जो है वो इंटीग्रेट करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसको आप रेल सारथी के नाम से भी जानते हैं। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो HRD मिनिस्ट्री जो है उन्होंने श्रेयस जो है नाम से एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है। श्रेयस का फुल फॉर्म है इट्स स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड द स्किल। तो इसके अंदर यहाँ पर जो आपके HRD मिनिस्टर हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इसको लॉन्च किया जिसके अंदर आपके जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करके उनको एंटरप्रेन्योरशिप और उनको जो उद्यमिता है उसके लिए यहाँ पर पैसा वगैरह जो है सरकार द्वारा या स्कीम के अंदर यहाँ पे मिल पाएगा। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी जो है वो लॉन्च किया गया। साइन लैंग्वेज मतलब होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके लिए अलग से साइन लैंग्वेज जो है इशारों की भाषा होती है, तो उसकी एक अलग से डिक्शनरी बनाई गई है और ये डिक्शनरी जो है वो दूसरी बार लॉन्च की गई है।
अभी जो डिक्शनरी है उसके अंदर टोटल 6000 यहाँ पे शब्द हैं उसके अंदर यहाँ पे शामिल किए गए हैं। साथ ही ISLRTC जो है उसने अपना नया YouTube चैनल है वो भी यहाँ पे लॉन्च किया है, जिस YouTube चैनल के अंदर जो उसके लर्नर्स हैं उनके सीखने वाले लोग हैं वो यहाँ पर से सीखते, और जो साइन लैंग्वेज है जो इशारों वाली भाषा है वो यहाँ पे सीख सकते। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ इमेज के अंदर, तो दिस इज द ए, दिस इज द बी सी, इस तरीके से जो है इशारों के अंदर वो उसको रिप्रेजेंट कर, जैसे हम बोलते हैं पवन PAVN, तो वो उस तरह से इशारे करके वहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ पवन जो है वो कैसे लिखा जाएगा एंड ऑल दैट। तो काफ़ी अच्छा जो यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव है वो सरकार द्वारा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके द्वारा लिया गया है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो अभी भारत का एक MiG-21 प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है, जब हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया उसके अगले दिन पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, उसने भारत के अंदर घुसने की कोशिश की, और उसको जवाब देने के लिए हमारी जो आर्मी के एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो पायलट्स भी उनके पीछे उनके फाइटर प्लेन्स को गिराने गए, और उसके बाद हम पाकिस्तान के एक F-16 प्लेन, F-16 वैसे उनका नहीं है वो तो उधार पे उनके पास अमेरिका का रखा हुआ है, उसका उपयोग उन्होंने वहां पर भारत के ऊपर अटैक करने के लिए किया, और उसका हमले का जवाब देते हुए भारत के एक पायलट जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर चले गए और उनका प्लेन वहां पर क्रैश हो जाता है। देन ही लैंडेड टू द ऑन ही वहां पर जंप कर जाते हैं, वहां पर इजेक्ट कर जाते हैं पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, और उसके बाद पाकिस्तान द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसके दो दिन बाद जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा उनको वहां से उस एयरफोर्स के जो पायलट है उनको छोड़ा जाता है। जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कोई भी अगर युद्धबंदी है POW प्रिजनर ऑफ वॉर उनको जो है वापस देश को लौटाना जो है वो जेनेवा संधि के अंतर्गत एक जो है इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट उसका समझौता है, उसके दौरान उनको उनका नाम अभिनंदन था उनको वापस लौटाया गया है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश की दो पावर जनरेटिंग कंपनी, एक सेंट्रल जोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो भोपाल के अंदर बिजली सप्लाई करती है, सेकंड वेस्ट जोन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपका पश्चिमी क्षेत्र जो है वो विद्युत वितरण कंपनी जो है इंदौर की, इन दोनों को जो है यहाँ पे सौभाग्य अवार्ड यहाँ पे उससे सम्मानित किया गया है। सौभाग्य अवार्ड बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, और इस योजना के अंतर्गत सभी घरों के अंदर जो है बिजली सप्लाई करना यहाँ पर एक एम रखा गया है, और उसके अंदर जो है भोपाल की जो सेंट्रल जोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, 100% जो आपका जो इलेक्ट्रिफिकेशन या 100% जो क्या कहते हैं आप कि बिजली जो है वहां पर उन घरों के अंदर यहाँ पे पहुंचा दी है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए काफी खुशी की बात है, 100 करोड़ रुपए का जो अवार्ड के अंदर इनको प्राइज यहाँ पे इनको ईच कैटेगरी के दोनों को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के हिसाब से भी ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो 16th एडिशन ऑफ बायो एशिया समिट जो है वो यहाँ पे हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया। बायो एशिया 2019 के अंदर इंटरनेशनल लाइफ साइंस कन्वेंशन जो है उसके अंतर्गत यहाँ पे जो बायोडीजल का या बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ पे उसको प्रमोट करना यहाँ पर उसके अंदर ये सब चीजें यहाँ पे शामिल थी। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो है नया रेलवे जोन जो है उन्होंने यहाँ पे उसको इनोग्रेट किया है 27 February 2019। साउथ कोस्ट जो रेलवे है बेसिकली ये भारत का जो है 18वां आपका रेलवे जोन होगा, अभी तक भारत के अंदर 17 रेलवे जोन थे, 8वें रेलवे जोन के अंदर सूप में इसको साउथ कोस्ट रेलवे को शामिल किया गया है। ये आपका हैदराबाद सिकंदरा नांदेड़ पूरा जो डिवीजन है उस पूरे डिवीजन को यहाँ पे कवर करेगा। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो नासा ने अपना जो है नासा टू लॉन्च द न्यू मिशन टू स्टडी द स्पेस वेदर फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर एक नया जो है प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत वहाँ पर स्पेस में जाके स्पेस का जो वेदर है उसको वहाँ पर जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इसको एटमोस्फेरिक वेदर एक्सपेरिमेंट AWE उसने नाम जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो एटमोसफियर के अंदर आप जनरली देखेंगे कि यहाँ पर जो एयर ग्लोव जो होते हैं वो जनरेट होते हैं आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उन एयर ग्लोव को जो है वहाँ पे स्टडी किया जाएगा। एयर ग्लोव एक तरह के आपके कलरफुल बैंड्स वगैरह होते हैं, वो जो बैंड्स हैं वहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर जनरेट होते हैं उनका स्टडी जो है यहाँ पे किया जाएगा। अभी तक माना जाता था कि आपके जो सन का जो ऑरा है या सोलर विंड है उसके कारण जो है यहाँ पर ये इस तरह के एयर ग्लोव आते हैं, लेकिन अभी उसको पूरी तरह से यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो मुकेश अंबानी जो है दुनिया के 8वें सबसे रईस व्यक्ति के रूप में उनका नाम यहाँ पर आया है। इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है और उसके लिए यहाँ पर ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 उसके द्वारा यहाँ पर ये लिस्ट जारी की गई जिसके अंदर आपके जो
मुकेश अंबानी है जिनका 54 बिलियन डॉलर की उनके पास नेटवर्थ है, उनको यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आठवें सबसे अमीर व्यक्ति के अंदर यहाँ पे शामिल किया गया है। अमेजन के जेफ बेजोस जो हैं वो यहाँ पे दुनिया में अभी 147 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी के साथ में सबसे टॉप पोजिशन के अंदर, सेकेंड इज द बिल गेट्स, देन थर्ड इज द वॉरेन बफेट, तीसरे स्थान के ऊपर है। तो मुकेश अंबानी जो है अब क्या बोले। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 उसकी एक नई रैंकिंग यहाँ पर जारी हुई है एंड अकॉर्डिंग टू दैट रैंकिंग जो है भारत जो है वहाँ पे 47th प्लेस के ऊपर आया है। इट्स कॉल्ड द I3I इंडेक्स, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, जिसके अंदर आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है EIU यहाँ पे फेसबुक की मदद से उसको लॉन्च करता है, जिसके अंदर देश के अंदर आपका जो टोटल इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना है और GDP के परस्पेक्टिव में आपका इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना है, ये सब जो यहाँ पे मेजर किया जाता था। तो अभी भारत जो है अभी यहाँ पे काफी सक्सेस भारत में जियो के आने के बाद भारत के अंदर हुई है, साथ ही यूके, नामीबिया और आयरलैंड जो है वो यहाँ पर टॉप पोजिशन के ऊपर है, फॉलोड बाय द ऑस्ट्रेलिया, चिली, साउथ अफ्रीका, नामीबिया जैसे कंट्री जो है वहाँ पे टॉप पोजिशन के अंदर इसके ऊपर बना हुआ है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो भारत के सौरभ चौधरी तो जीते ही थे, साथ ही मनु भाकर जो है उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल जो राइफल का इवेंट था उसके अंदर उन्होंने मनु भाकर ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया। गोल्ड मेडल के साथ में वो ओलंपिक 2020 टोक्यो के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली भारत की जो कोटा है वो कोटा के अंदर वहां पे शामिल हो गई है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे जो है, राष्ट्रीय आपका विज्ञान दिवस, और ये विज्ञान दिवस जो है वो अभी बेसिकली इसका जो थीम था वो साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस, की लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग, इसका मेन इवेंट था। और ये इवेंट बेसिकली यहाँ पे हमारे जो CV रमन है उन्होंने अपना रमन इफेक्ट जो है उसकी डिस्कवरी आज ही के दिन की थी, उनको सेलिब्रेट करने के लिए आज के दिन नेशनल साइंस डे जो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो आपके 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द लेक्चर, और शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और इसका जो PDF है वो yourcivilsarchy.com जो मेरी वेबसाइट नीचे जो फ्लैश हो रही है यहाँ पर जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कल का लेक्चर भी रात को 10 बजे रहेगा, जिसके अंदर हम फरवरी का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, MP फरवरी करंट अफेयर जो है उसको हम कवर करेंगे। तो पूरा फरवरी का 1 से 28 तारीख तक पूरा करंट अफेयर वो हम लोग वहाँ पर उसको कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा रोज रात को 10 बजे जो है मैं लाइव आऊँ और हम कुछ नए टॉपिक्स जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। खैर ये सब टॉपिक्स आप शायद पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी कल मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ेंगे और उसके बाद जो है किसी और नए टॉपिक को हम वहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टार्ट करेंगे। कितने लोग लाइव हैं प्लीज कमेंट कीजिए। ओके श्रद्धा जैन, थैंक यू लेक्चर को इतनी देर तक सुनने के लिए, और प्रॉब्लम आया उसके बाद भी आप बना रहे, थैंक यू सोनल, आई होप सोनी का भी होगी। ओके सो थैंक यू एवरीवन, शिप्रा, श्रद्धा, सोनिका और आप सभी को जिन्होंने इस लेक्चर को, थोड़ा प्रॉब्लम आया फिर भी यहाँ पर सुना, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और कल फिर से रात को 10 बजे मिलते हैं, कल प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगा, आई एम श्योर दैट। थैंक यू।